अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मज़े से बैठे हुए? अच्छा बच्चों, आज आप लोग क्या कर रहे गा? आपने खाना खाया थी? मैं आपसे क्या बोल रहा थे? मैं क्या बोल रही हूँ? ये कुछ जुमले अलग लग रहे हैं ना आपको? कुछ गलत लग रहे हैं? मैं सही नहीं बोल रही। क्यों भाई, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। नहीं सही बोल रही? क्या सही नहीं बोल रही? क्या नहीं बोल रही मैं, बताइए जी। मैं इन जुमलों में था, थे, थी, गा, है का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे था आना चाहिए वहाँ पे कुछ और इस्तेमाल कर रही हूँ, जहाँ पे है आना चाहिए वहाँ पे कुछ और इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर मेरे जुमले आपको गलत लग रहे हैं। अरे भाई, आपको तो ये पता है कि जुमले कैसे गलत होते हैं और कैसे सही होते हैं, क्योंकि हर जुमले में देखकर ये इस्तेमाल किया जाता है कि किस जुमले में था आएगा, किस जुमले में थे आएगा, किस में है आएगा, किस में थी आएगा और किस में गा आएगा, है ना? अरे भाई वाह, ज़बरदस्त, आप तो ये पहचान सकते हैं, आपको तो ये बात समझ में आती है। तो आज जो हमारी एक्टिविटी है ना, जो हम मश्क करने वाले हैं, जो आज हम काम करेंगे, वो यही एक्सरसाइज है। और इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सरसाइज मिनटों में कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपको तो ये चीज़ पता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी बुक उर्दू सिलसिला साल सोम खोलेंगे। पेज उसका कौन सा खोलेंगे भाई? पेज नंबर 6। और चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? वही तो है, वेरी नाइस। अब आप पेज नंबर 6 में देखेंगे कि लिखा हुआ है, ग्रामर की हमारी एक्सरसाइज मौजूद है। जुमलों में था, थी, थे, है और गा का इस्तेमाल करें। वेरी गुड। पहली एक्सरसाइज जो है उसमें ये लिखा है कि दर्ज झेल जुमलों में मुनासिब जगहों पर था, थी और थे लिखें। जब हम कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं जो माजी में हो चुका हो, जो पहले हो चुका हो, उसमें हम था, थे, थी का इस्तेमाल करते हैं, कि जो काम गुज़र चुका हो, जो वक्त गुज़र चुका हो, माजी बन गया हो, उसमें हम था का यूज़ करते हैं, थी का यूज़ करते हैं, थे का यूज़ करते हैं। जब मुज़क्कर हमारे पास मौजूद होता है तो उसके लिए हम था यूज़ करते हैं, जब कोई मौनस चीज़ मौजूद होती है तो हम उसके लिए थी यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, एक से ज़्यादा, तो हम उसके लिए थे यूज़ कर रहे होते हैं, है ना? चलें फिर आप देखें, पहला जुमला हमारा मौजूद है, नासिर पढ़ रहा डैश, नासिर पढ़ रहा डैश। नासिर क्या कर रहा, इसके लिए हमें क्या आएगा, वो माजी में कर रहा था, तो उसके लिए हम था यूज़ करेंगे, थी यूज़ करेंगे या थे, क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड, नासिर पढ़ रहा था। दूसरा जुमला है, नजमा पढ़ रही डैश, नजमा पढ़ रही डैश। नजमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थी। वेरी गुड, मौनस है ना भाई, नजमा पढ़ रही थी। बच्चे पढ़ रहे डैश, बच्चे पढ़ रहे डैश, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, थे। एक से ज़्यादा लोग हैं ना इसमें, एक से ज़्यादा बच्चे हैं ना, वेरी गुड, बच्चे पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है, जमील खेल रहा डैश, जमील खेल रहा डैश, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, था, थे, थी। हम इसमें था यूज़ करेंगे क्योंकि जमील मुज़क्कर है, जमील खेल रहा था। वेरी नाइस, जमीला खेल रही डैश, जमीला खेल रही डैश, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी गुड, थी, जमीला खेल रही थी। वेरी गुड, अब क्या है, बच्चे खेल
रहे डैश बच्चे खेल रहे डैश बच्चे खेल रहे थे। वेरी गुड, शाबाश। अब आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को यहाँ पे, इन लव्स को इन खाली जगह पे अच्छे से देख के समझ के पढ़ के लिखना है, ठीक है, शाबाश। अब जो नीचे लिखा हुआ है कि इसमें आपने क्या करना है, दर्ज ज़ेल जुमलों में मुनासिब जगहों पर है, था और गा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दर्ज ज़ेल जुमलों में मुनासिब जगहों पर है, था और गा लिखिए, यानी कि जब आज की बात हो रही हो, अभी की बात हो रही हो, हाल की बात हो रही हो तो आप है लगाएंगे, जब गुजरे वक्त की बात हो रही हो, माजी की बात हो रही हो तो आप क्या लगाएंगे, था लगाएंगे, वेरी गुड। और जब आने वाले वक्त की बात हो रही हो, मुस्तकबिल की बात हो रही हो तो क्या लगाते हैं, है लगाते हैं, नहीं था लगाते हैं, नहीं गा लगाते हैं, शाबाश, गा लगाएंगे, ठीक है। तो अब जुमलों को हम पढ़ेंगे और समझ के उसमें है, था और गा का इस्तेमाल करेंगे। ये तो बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है। अहमद रोज स्कूल जाता डैश, अहमद रोज स्कूल जाता है, वेरी गुड, हाल की बात है, है। दूसरा जुमला है, अहमद कल स्कूल गया था, मत कल स्कूल गया डैश, यस, इसमें तो था आएगा क्योंकि माजी की बात हो गई, वेरी गुड। अहमद कल स्कूल जाए डैश, अहमद कल स्कूल जाए डैश, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है तो क्या होगा, गा, वेरी गुड, अहमद कल स्कूल जाएगा, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, पिछले साल अली दूसरी क्लास में डैश, पिछले साल माजी की बात हुई, माजी के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरी गुड, था। पिछले साल अली दूसरी क्लास में था, शाबाश। अली तीसरी क्लास में पढ़ता डैश, अली तीसरी क्लास में पढ़ता डैश, अभी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, वेरी गुड, अली तीसरी क्लास में पढ़ता है, वेरी गुड, शाबाश। अगले साल अली चौथी क्लास में जाए डैश, अगले साल मुस्तकबिल, वेरी गुड, इसमें क्या यूज होगा, गा, शाबाश। अगले साल अली चौथी क्लास में जाएगा, वेरी नाइस। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखना है, सही से समझना है, गा है था थी थे सबका इस्तेमाल समझना है, सही से लिखना है, जो खाली जगह लिखी हुई है उनको सही से पुर करना है, और जब आपसे आपकी टीचर कांटेक्ट करेंगी तो आपने उनको भी बताना है भाई कि कहाँ पे जो है वो था थे थी आता है, कहाँ पे है गा और था आएगा, ठीक है, और उनको उनकी पिक्चर आप होमवर्क की भेज दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। We'll be right back.